हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे और मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेशन की, जो कि होने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर रिलेटेड जो सोल्ड पेपर है, जो कि 20 जुलाई 2019 को जो आरआरबी का ओल्ड पेपर है, ठीक है, जो उसको है हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्लास है हमारी, ये 22 क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? 22 क्लास होने वाली है। आप सभी ने अगर हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर क्लासेस को देख लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस हमने आपके लिए आरआरबी से रिलेटेड लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने तमाम जो भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आरआरबी से रिलेटेड, सभी को हमने हर एक चीज का रैशनल देके क्या किया है, सॉल्व किया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। पावर आवर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इफ गिवन। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि पावर ऑफ लेंस, अगर किसी लेंस की पावर का पता करना है, ठीक है, अगर किसी लेंस के पावर का पता करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी फोकल लेंथ क्या है। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ आपने पता लगा ली तो आप उसकी पावर का पता लगा देंगे, ठीक है। तो अगर किसी लेंस की पावर का पता लगाना है, पावर को डिनोट करना है कि इस लेंस की पावर कितनी है, तो इसके अंदर क्या करते हैं आप, उसका फोकल लेंथ पता करते हैं। तो 1 F, ये क्या होता है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है जिससे क्या कर सकते हैं आप, किसी लेंस के पावर का पता लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? किसी लेंस की पावर का पता लगा सकते हैं। तो बेहतरीन आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बेहतरीन आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है P इजिकल टू 1/F। अगर इसको वैसे लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, P इजिकल टू 1/F, 1/F अगर आप करते हैं तो आप क्या कहें, किसी लेंस की पावर का पता लगा लेंगे या फिर उसकी फोकल लेंथ कितनी है उसका पता लगा लेंगे। द पावर ऑफ द लेंस ऑफ स्पेसिफाइड एस पी इजिकल टू 1F, यानी कि पी को, पावर को 1/F माना गया है, वेयर द फोकल लेंथ, जहां पर आप किसी लेंस की फोकल लेंथ का पता लगा सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही उत्तर आ जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। चलो, आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एक प्रकार का ऐसा एटम जिसका जो मास नंबर होता है, क्या होता है, मास नंबर जो होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, यानी कि मास नंबर तो सेम रहते हैं, लेकिन बात की जाए उनके एटॉमिक नंबर की, क्या बात की जाए, उनके एटॉमिक नंबर की बात की जाए, तो एटॉमिक नंबर कैसे रहते हैं दोस्तों, डिफरेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं। कैसे रहते हैं? डिफरेंट रहते हैं। तो ऐसे कौन से प्रकार के एटम्स होते हैं, तो आप सबका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आइसोबार्स। आइसोबार्स एक प्रकार के ऐसे एटम्स रहते हैं जिनका मास नंबर तो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो कहीं पर भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम है लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, तो वो कौन सा होता है, आपके आइसोबार्स होते हैं। और इसको समझने के लिए प्रयास करते हैं, सामने आपके रैशनल दिया हुआ है। आइसोबार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके मास नंबर तो क्या होते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या रहते हैं, एटॉमिक नंबर रहते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, आइसोमर्स क्या होता है। तो आइसोमर्स एक प्रकार से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका मोलिकुलर नंबर से क्या रहता है, मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है, हर एक मोलिकुलर का एक फॉर्मूला होता है, तो हर एक मोलिकुलर फॉर्मूला कहता रहता है कि उनका सेम रहता है, किसका, आइसोमर्स का।
लेकिन उनकी स्ट्रक्चर है, जो उनकी बनावट है, वो कैसी रहती है? डिफरेंट रहती है। कैसी रहती है दोस्तों? डिफरेंट रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सर आइसोटॉप्स क्या होता है। तो दोस्तों आइसोटॉप्स जो होते हैं वो प्रकार के ऐसे एलिमेंट रहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। मैंने आपको बताया था आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन आइसोबार्स का नहीं रहता है, ठीक है। तो आइसोटॉप्स एक प्रकार के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक का मास नंबर अलग अलग रहता है। तो वो क्या हो जाएगा? आइसोटॉप्स हो जाएगा। तो आइसोबार्स का जो विलोम है उल्टा है, वो आइसोटॉप्स होता है, ये आपको याद कर लेना है। अब बात करें आइसोटोन्स क्या रहता है। तो दोस्तों आइसोटोन्स एक प्रकार के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका न्यूट्रॉन्स तो सेम रहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द क्रूड डेट रेट इज। अब क्वेश्चन आपसे थर्ड पूछ रहा है कि आपका CDR क्रूड डेट रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे एक प्रश्न कर रहा है, थर्ड नंबर प्रश्न। तो इसका बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है दोस्तों? क्रूड डेट रेट को निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि आपको लगाना पड़ता है कि नंबर ऑफ डेथ, यानी कि नंबर ऑफ मृत्यु कितनी हुई है उस ईयर में, ठीक है, एक ईयर में नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है, और इसको डिवाइड कर देना है कि आपके उस मिड ईयर पॉपुलेशन कितनी है, यानी कि मिड ईयर यानी कि 6 महीने की पॉपुलेशन कितनी है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है, और किससे इंटू कर देना है, 1000 से इंटू कर देना है। किससे इंटू कर देना है? 1000 से इंटू कर देना है। तो आपका CDR क्रूड डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CDR निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ डेथ द ईयर, यानी कि नंबर ऑफ डेथ गिवन ईयर ड्यूरिंग दिस ईयर, ठीक है ना, तो और इंटू क्या डिवाइड क्या हो जाएगा, मिड ईयर पॉपुलेशन हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 1000। तो ऐसे फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए आप कभी किसी ईयर का CDR निकाल सकते हैं। तो बेहतर ऑप्शन क्या है? इसका बी उत्तर इसका बहुत ही सही होने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। व्हाट इज द पल्स डिफिसिट। पल्स डिफिसिट क्या होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पल्स डिफिसिट होता है अगर आपकी एपिकल पल्स बोले तो, अगर आप कार्डियक से लेते हैं ना, एपिकल पल्स और आपकी ब्रेकियल पल्स, ठीक है, आपकी एपिकल पल्स और आपकी ब्रेकियल पल्स जो हो रही, एपिकल पल्स और आपकी रेडिकल पल्स, सॉरी, आपकी एपिकल पल्स और आपकी रेडिकल पल्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मान लीजिए एपिकल पल्स आपने ली तो आपकी कितनी आई रीडिंग, 80 आई, ठीक है, और आपने रेडिकल पल्स ली तो आपकी पल्स कितनी आई, 60 आई। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों? इनके दोनों का बीच का डिफरेंस हो गया 20। कितना हो गया? 20। जब आपने एपिकल पल्स ली थी तो आपकी 80 बीट पर मिनट आ रहा था, लेकिन आपने जब रेडियल आर्टरी से पल्स लिया तो आपका क्या आया, 60 बीट पर मिनट आया, ठीक है। तो ऐसे इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? पल्स डिफिसिट कहा जाता है। तो 20 क्या हो गया आपका? पल्स डिफिसिट हो गया। तो इसका बेहतरीन आंसर क्या हो जाएगा? इसका बेहतरीन आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी बेहतर आंसर हो जाएगा, जिसमें आप एपिकल पल्स और रेडिकल पल्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको क्या कहा जाता है? आपका पल्स डिफिसिट कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, जो आपके सामने ये रहा। एनीथिंग विच इवोक ए रेस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक प्रकार का ऐसा रेस्पॉन्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, जगा देता है, सचेत कर देता है, चालू कर देता है, वो होता है आपका क्या, स्टिमुलस। क्या होता है? स्टिमुलस। अगर किसी व्यक्ति को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी जानवर को आप एक स्टिमुलस देते हैं, यानी कि कोई एक व्यक्ति है उसके सामने एक डॉग है, ठीक है, एक डॉग है उसके सामने, एक डॉग है वो बेचारा सो रहा है, एक व्यक्ति ने पत्थर हाथ में उठाया और उसको मारा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब 6 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहने वाला है, इसके बारे में बात करना वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को सामने नजर आ रहा होगा,
कि एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि है, चैनलिंग ए स्ट्रोक सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव और अर्ज इन टू ए फॉर्म द एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी इज कार। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक व्यक्ति जो होता है उसके थॉट्स, कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसा एक प्रकार से कोई भी ऐसी चीज है जो कि समाज के अंदर क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। कैसी है? अनएक्सेप्टेबल है मतलब कि उसको किसी भी प्रकार से समाज के अंदर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी ड्राइव को यानी कि ऐसी चीज को आप किस में चेंज कर देते हैं, एक्सेप्टेबल ड्राइव में चेंज कर देते हैं। यानी कि एक्सेप्टेबल यानी कि समाज के अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी बात है जो कि समाज के लिए क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, यानी कि उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसको एक्सेप्टेबल यानी कि एक्सेप्टेबल कर लेना, यानी कि एक्सेप्ट कर लेना कि समाज के अंदर वो चीज़ क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का होता है डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जांपल होता है जो कि साइकेट्रिक के अंदर पूछा जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म टॉपिक का एग्जांपल है ये, जिसके अंदर एक व्यक्ति क्या होता है, समाज के अंदर कोई अनएक्सेप्टेबल चीज़ है उसको एक्सेप्टेबल बना देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, उस वर्ड को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों आपका सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। यानी कि सब्लिमेशन एक प्रकार का ऐसा डिफेक्ट मैकेनिज्म होता है जो कि किसी भी अनएक्सेप्टेबल थॉट को एक्सेप्टेबल में चेंज कर देता है समाज के अंदर, तो उसको कहा जाता है आपका सब्लिमेशन। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आपके सामने ये रहा। दोस्तों अच्छी लग रही क्लास तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं, वाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ ए नियोनेट बेबी। आप दोस्तों पीडियाट्रिक का प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि नॉर्मल लेंथ क्या होती है नियोनेट की बेबी। तो बात करें हम नियोनेट का, तो नियोनेट के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका अर्ली नियोनेट, एक होता है लेट नियोनेट। क्या होता है? एक होता है अर्ली नियोनेट, एक होता है आपका लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, एक दिन से जीरो से लेकर सात दिन, मतलब कि जन्म हुआ है जब से सात दिन तक तो अर्ली नियोनेट हो जाएगा, और बात की जाए आपका लेट नियोनेट होता है तो जीरो से लेकर एक दिन से लेकर आपका माना जाता है कितना, 28 डेज जो होता है वो आपका लेट नियोनेट होता है, ठीक है। या सात दिन से 28 दिन तक भी कर सकते हैं, मतलब टोटल कर सकते हैं आप उसको माना जाता है। तो पूरे नियोनेट की बात की जाए तो 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको नियोनेट कहा जाता है। अब इसमें पूछा गया है कि इसकी एज कितनी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, कितनी लंबाई में कितना होता है बेबी, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो उसकी जो नियोनेट की जो लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर होती है, ये आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये आपकी एज जब बर्थ के समय होता है ना बच्चा, या फिर आपके जब नियोनेट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है आपकी, 50 सेंटीमीटर कहलाती है। तो बेहतर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 50 सेंटीमीटर आपका बेहतर आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आपके सामने ये रहा दोस्तों, वाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट ब्रोमीन। जो ब्रोमीन सिंबल है, तो ब्रोमीन होता है एक प्रकार का ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा जब आप 12th क्लास में थे। ब्रोमीन जो होता है इसको किस सिंबल से नापा जाता है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये सामने वाला सिंबल ब्रोमीन का ही सिंबल है, तो ये किस नाम से लिखा होता है, Br नाम से इसका सिंबल होता है, ब्रोमीन को Br नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, Br हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द पोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग टू द सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नॉन एज। प्रश्न आपके सामने दिया गया है दोस्तों, एक ऐसा प्रोपोर्शन ऑफ द क्लिनिकल केसेस का जिसके अंदर सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको रखते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका वायरुलेंस। वायरुलेंस क्या होता है, वायरुलेंस होता है कि कोई भी एक क्लिनिकल केसेस होता है उसकी सीवियरिटी कितनी है, सीवियर कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसका, साइनम सिम्टम्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तो उसको क्या कहा जाता है, वायरुलेंस कहा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, वायरुलेंस इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय। जो एंटेरोटॉक्सिन जो फूड होता है इसकी पॉइजनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, तो सभी को पता होना चाहिए, बेहतरीन प्रश्न है कि स्टेफाइलोकोकस जो है आपका ये एक प्रकार का क्या करता है, पॉइजनिंग करता है, एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग करने का कार्य करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं, व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल्स। हाँ दोस्तों आपका पता होना चाहिए कि नर्स पेशेंट रेशियो NPR रेशियो किस में, टीचिंग हॉस्पिटल्स में, ऐसे हॉस्पिटल जो टीचिंग की कराते हैं, ठीक है, आपको है ना प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल जो होते हैं इसके अंदर नर्स पेशेंट रेशियो कितना होना चाहिए, NPR कितना होना चाहिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए अगर टीचिंग हॉस्पिटल की बात की जाए तो नर्स पेशेंट रेशियो कितना होना चाहिए, यानी कि एक पेशेंट
एक नर्स होनी चाहिए 5 पेशेंट पे, मतलब 5 पेशेंट पे एक नर्स होनी चाहिए, यानी कि 1:5 जो है आपका बेहतरीन प्रश्न होने वाला है, यानी कि एक नर्स कितने पेशेंट पे होनी चाहिए, 5 पेशेंट पे होनी चाहिए, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच इज द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40-60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा एक प्रकार का ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि 40 से लेकर 60% तक प्लाज्मा वॉल्यूम का रखता है, यानी कि टोटल प्लाज्मा वॉल्यूम की बात की जाए तो उसका 40-60% कौन सा एक प्रकार का ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन होता है, यानी कि उसके अंदर कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कि एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन होता है जो क्या करता है आपके प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 40 से 60% होती है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लोनिक नर्व सेल ऑफ द कॉलन एंड द रेक्टम इज कॉल्ड। अगर किसी बच्चा जब जन्म लेता है, जब बर्थ होता है बच्चे का, तो जन्म से ही क्या होता है, अगर उसके पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल, पैरा सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल पाई जाती है आपकी कहाँ पे, कॉलोन के अंदर पाई जाती है, अगर ये एब्सेंट रहती है जन्म से, कंजेनेटली एब्सेंट रहती है, तो इसका मतलब क्या होता है, कॉलोन और रेक्टम में एब्सेंट रहती है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका बहुत ही बेहतरीन हृदस्पंद डिजीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग ही एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चा जब जन्म लेता है तो कंजेनाइटली क्या होता है, आपके एक्टम और कॉलोन के अंदर क्या होती है, गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स होती है। कैसी तरह से होती है, गैंग्लियोनिक नर्व सेल होती है, लेकिन बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर अगर कंजेनाइटली ये गैंग्लियोनिक नर्व सेल क्या रहे, एब्सेंट रहती है, तो एक प्रकार की ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसको कहा जाता है क्या, हिर्सप्रंग डिजीज। क्या कहा जाता है, स्प्रंग डिजीज कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द कॉलोनल अट्रेशिया। कॉलोनल अट्रेशिया का मतलब क्या होता है, तो कॉलोनल का किससे कनेक्शन होता है आपकी, कॉलोनल का कनेक्शन होता है आपके नेजोफेरिंग से, किससे, नेजोफेरिंग से कनेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि अगर आप नेजोफेरिंग्स जो होता है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रुकावट है, ठीक है, कोई रुकावट हो गई है, तो कंजनाइटली रुकावट हो गई है, तो उसको कहा जाता है कॉरोनल अट्रेशिया, जिसके अंदर जो व्यक्ति होता है इसको जन्म से ही कंजनाइटली उसके नेजोफेरिंग्स जो होता है, इसका द्वार जो होता है, ओपनिंग जो होती है, वो किज हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उसके अंदर, तो उसको कहा जाता है कॉरोनल अट्रेशिया। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, अप्लाइंग एन अनफेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर टू द सब्जेक्ट टू द कंप्लीट रेस्पॉन्स क्विकली इज कॉल्ड। अप्लाइंग एन अनफेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर टू सब्जेक्ट टू कंप्लीट द रेस्पॉन्स क्विकली इज कॉल्ड। वही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि अगर किसी कार्य को पूरा कराने के लिए आप किसी व्यक्ति पर अनफेयर अमाउंट यानी गलत तरीके से प्रेशर बना रहे हैं ताकि वो जो आपका काम है वो बहुत ही जल्दी पूरा हो सके, उसको किस प्रकार का बायस कहा जाता है, उसको किसी प्रकार का बायस कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका प्रोसीजरल बायस। किसी प्रोसीजर को जल्दी पूरा कराने के लिए आप किसी व्यक्ति पर अनफेयर अमाउंट का प्रेशर डाल रहे हैं ताकि आपका कार्य बहुत जल्दी हो सके, तो वो एक प्रकार का बायस होता है, तो वो होता है प्रोसीजरल बायस। कैसा होता है, प्रोसीजरल बायस होता है, याद रखना है दोस्तों। बात करते हैं द प्राइमरीली ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड इन द ट्यूबरक्लोसिस इज नॉन एज। देखिए दोस्तों, प्राइमरीली ग्रेनुलोमा जो है फॉर्म हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस में, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों आपका गोन फोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, गोन फोकस एक प्रकार का ऐसा ग्रेनुलोमा होता है जो कहीं ना कहीं पाया जाता है जब व्यक्तियों क्या हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, गोन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, गोन फोकस भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच विटामिन कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू ट्रोपिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा,
प्रोथोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने वाला विटामिन कौन सा होता है, वही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो आपको पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा कि बच्चा जन्म जन्म लेता है तो उसको विटामिन के का इंजेक्शन पड़ता है। विटामिन के का इंजेक्शन पड़ता है, क्यों पड़ता है? क्योंकि आपके क्या होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों की क्या होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा मौजूद नहीं होते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा मौजूद नहीं होते हैं तो बाहर से विटामिन के का इंजेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, विटामिन के का इंजेक्शन पड़ना पड़ता है। अब विटामिन के क्या काम कराता है, ये आपका जो ब्लड होता है इसको प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करता है थ्रोम्बिन में, जिससे क्या होता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स, एक बार बात करूंगा मैं इसमें, कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर, 2, 7, 9 और 10, ये आप है ना, ये क्लॉटिंग फैक्टर याद रखिएगा। 2, 7 और 9 और 10 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो कैसे याद कर पाएंगे, एक टीम थी केन्या, केन्या एक टीम थी, केन्या एक टीम थी क्रिकेट की टीम थी, ये कितने पर आउट हो गई, 279 पर, 10 विकेट हो गए इसके। तो केन्या टीम के 279 पे 10 विकेट हो गई, एक बार ट्रिक हो गई। तो विटामिन के अंदर कौन से क्लोटिंग फैक्टर, 2, 7, 9 और 10 क्लोटिंग फैक्टर मौजूद रहते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार से ट्रिक हो गया इसका। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द अमलाइकल कोड कंटेंट। तो अमलाइकल कोड होती है आपकी, अमलाइकल कोड जो होती है ये क्या कंटेंट करती है दोस्तों, ये कंटेन करती है आपकी क्या, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। काफी ज्यादा विद्यार्थी जो है वो क्या हो जाते हैं, सर इसमें तो मैं वो करके आया था, इसमें तो वो करके आया था। नहीं दोस्तों, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, वन आर्टरी होती है और टू वेन रहती है। अब सब लोग ज्यादा दिमाग लगा देते हैं इसमें, क्या दिमाग लगा देते हैं कि सर जब बच्चे को, जब गर्भावस्था में था तब बच्चे के अंदर सर दो वेन होती है और दो ही आर्टरी होती है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है तो एक जो वेन, एक जो आर्टरी होती है वो क्या हो जाती है, आपकी विलुप्त हो जाती है और एक ही आर्टरी आपकी बचती है। तो जब भी ये बात करी जाए, पूछा जाए कि नॉर्मली अमलाइकल कोड क्या कितने क्या क्या कंटेन करती है, तो वन आर्टरी और टू वेन कंटेन करती है, तो ठीक है ये आपको पता बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके जो भी बच्चा जब होता है गर्भ के अंदर, इनके थ्रू ही क्या होता है, आपके ब्लड पास जो भी सारी चीज़ें जो होती है वो पास होती है। ठीक है, न्यूट्रिशनल हुआ चाहे ब्लड हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन जो करता है बच्चा इसी से लेता है। तो ये होती है आपकी कि इसके अंदर टू आर्टरीज होती, इसके अंदर वन आर्टरी होती है और क्या होती है, टू वेन होती है। इसका बेहतरीन आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अमलाइकल कोड क्या करती है आपकी, टू वेन, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसके अंदर क्या करती है, टू आर्टरीज वन वेन। ठीक है, ठीक है, यह हो गया, यहां से आपका पॉजिटिव ब्लड चल जाएगा, ऑक्सीजन या CO2 आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, भाई क्या है इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गई, दो आर्टरीज हो गई और वन वेन हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ये प्रश्न हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी। ऐसा कौन सा, ऐसा मेटल होता है, ऐसा कौन सा मेटल होता है जो कि एक रिंगिंग, घंटी की आवाज पैदा करता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका क्या, सोनोरस साउंड। सोनोरस साउंड जो होता है, एक प्रकार का ऐसा साउंड होता है जो कि एक मेटल के द्वारा निकाला जाता है, जो कि एक प्रकार से घंटी की आवाज देता है, तो उसको कहा जाता है, ऐसी आवाज को सोनोरस साउंड कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड एज। एक ऐसी स्टेज, सॉरी, एक ऐसी स्टेज एम्ब्रियो की, देखिए दोस्तों एम्ब्रियो की, जब आपका एम्ब्रियो की एक ऐसी स्टेज, यानी कि एम्ब्रियो की एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर जो बॉडी पार्ट्स है वो आपको आइडेंटिफाई होने लग जाएंगे, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका फीटस। फीटस एक प्रकार का ऐसा स्टेज होता है, मतलब ऐसा स्टेज होता है एम्ब्रियो का जिसके अंदर आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना सारे, तो वो नजर आने लग जाते हैं आपको। ठीक है, वो नजर आने लग जाते हैं, उसको कहा जाता है फीटस। जब भी आप चेक कराते हैं, ठीक है, USG जांच कराते हैं, तो फीटस जब भी
होगा, तो उसके जो अंदर के बॉडी पार्ट जो भी है आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारी आज की क्लास। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके लिए हमारे लेकर आए हैं RRB के प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर लेके आए हैं, तमाम जो भी एग्जाम के अंदर पूछे गए पिछले प्रश्न हैं, ठीक है, ओल्ड पेपर लेके आए हैं आपके लिए। और साथ ही में ही क्या लेके आए हैं आपके लिए हम, नर्सिंग इम्पोर्टेंट की बुकलेट, की पॉइंट बुकलेट लेके आए हैं। ठीक है, ये जो दोनों ही चीजें हैं आपको, ये कितने मिल रही है, मात्र आपको 299 में मिल रही है। ठीक है, 299 रुपीज़ में मिल रही है, बहुत ही छोटा अमाउंट है अगर देखा जाए तो, इन इस कंटेंट के हिसाब से तो बहुत छोटा अमाउंट है, 299 रुपीज़ में मिल रही है। और कहाँ पर जाकर आपको इसको लेना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा और आपको ये जो है आपको दोनों चीज़ें डिलीवर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।